बिहार में पुराने जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब उनकी जगह नए पंचायत जनप्रतिनिधियों ने अपने स्थान काबिज कर लिए हैं। 23 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता उपलब्ध कराए जाने का निर्देश जारी हो गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा 72,32,00,000 रुपये जिले को भेज दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्तों, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को 23 फरवरी तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच तथा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के अकाउंट में मासिक भत्ते की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 15 दिसंबर 2021 तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका बकाया मासिक भत्ता को भी शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पुराने पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अब खत्म हो गया है। अब उनकी जगह नए पंचायत जनप्रतिनिधियों ने जगह ले ली है। सरकार द्वारा निर्गत राशि में से 1,37,60,000 रुपये से जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मासिक भत्ते पर खर्च किए जाएंगे। वहीं पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्यों के लिए 6,94,40,000 रुपये दी गई है। वहीं 32 करोड़ रुपये मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मासिक भत्ते के लिए मिलेंगे, जबकि 32 करोड़ रुपये ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंचों के मासिक भत्ते के लिए निर्गत किए गए हैं। मासिक भत्ते का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। अब किसको कितना भत्ता मिलेगा, एक नज़र उस पर डालते हैं। पंचायती राज विभाग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विभाग ने मासिक भत्ते का निर्धारण किया है, जिनमें जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये, प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 और मुखिया को 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलता है। वहीं उप मुखिया को 1,200 रुपये, सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये मासिक भत्ते के तौर पर मिलता है। 23 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुल 72,32,00,000 रुपये जारी किए हैं। आपको बता दें कि वार्ड पंच की मासिक भत्ते को लेकर के कई लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन ये बात हम आपको पूरी तरीके से क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जो भ्रम की स्थिति रहती है वो कि 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक मिलती है, लेकिन सच यह है कि वार्ड पंच की जो तनख्वाह, जो भत्ता है वह 500 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक ही होती है।